इस कहानी के पहले भाग के बाद अब दूसरा भाग कुछ ऐसा है। धृतराष्ट्रपुर के गांव में एक पुराने घर में सास बहु शारदा अनामिका खड़ी होती है। खड़ी खड़ी शैतान त्रिपुरा, जिसके हाथ में एक कटा हुआ सर था, उसे देख रही थी। थोड़े दूर पे ही बाप बेटा प्रसाद और रमेश भी खड़े थे और शैतान को देखकर डर के मारे कांप रहे थे। देखो सास बहू, इसे कहते हैं सर। ऐसा कहते हुए वो उस बकरी के सर को सास बहू के तरफ फेंक देता है। सास बहू भी उसे नीचे गिराए बिना ही लपक लेती है। मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट करी बनाओ। देखिए शैतान जी, मेरा नाम देखो शैतान, खड़ा हुआ शैतान, सोया हुआ शैतान नहीं है। मेरा नाम है त्रिपुरा, बहुत अच्छा नाम है ना। हाँ, आपका नाम बहुत बढ़िया है। तो आप यहीं पे पैदा हुए और ऐसे शैतान बन गए। शारदा जब इस तरह का सवाल कर रही थी, सुन के प्रसाद बहुत डर रहे थे। तुम्हारी माँ क्या कर रही है? शैतान के साथ सवाल जवाब, जो कह रहा है वो कर देना। मत घुसिए पिताजी, शैतान को देखकर मैं तो कांप रहा हूँ, मेरा पैंट गीला ना हो जाए। इस तरह कहते हुए वो शैतान को देखकर डर के मारे कांपने लगा। देखो त्रिपुरा शैतान, आपने जैसा कहा हम सास बहू मिलके आपके लिए पका देंगे, पर उसके बदले में आप क्या देंगे? तुम लोगों को मारे बिना ही मैंने छोड़ दिया। सारे गांव वाले जब खत्म हो जाएंगे तब तुम लोगों को खाऊंगी, तब तक तुम लोग मेरे लिए खाना पकाते रहो। वो बात नहीं है त्रिपुरा। मैं कोई 25 साल की चिकनी चमेली लड़की नहीं हूँ, जिसे त्रिपुरा कहकर प्यार से बुलाओगी और वो तुम लोगों को देखकर पिघल जाएगी। मैं एक शैतान हूँ, शैतान। हम जो कह रहे हैं वो सुन तो सकती है ना? शिक्षा ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, जिंदगी को जीना सिखाती है, मूल्य को सिखाती है। ऐसी शिक्षा से हमारे गांव के बच्चे बस दूर ना रहे। मतलब तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगी? फिर एक बार मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो शैतान बिना कुछ कहे उन्हें लेकर एक घर पे जाती है। देखो ये सारे लोगों ने भी सोचा था कि ये गांव सुधर जाए, बच्चे शिक्षित हो, और ये सोचकर मुझे गांव से भगाना चाहते थे, पर इन सभी लोगों को मैंने मार के इस तरह से टांग दिया। तो तुम लोग भी अब ऐसा ही करोगे क्या? तुम लोग बकरी का सर का सब्जी बनाओ, मैं एक चक्कर लगा के आती हूँ। ऐसा कह के शैतान अदृश्य हो जाती है। सास बहु कमरे के अंदर गई और बाहर नहीं निकली। ये देखकर रमेश और प्रसाद बहुत घबरा जाते हैं। फिर सास बहु शारदा नामिका चूल्हे के स्टोव पर बकरी का सर पकाने लगती है। माँ जी, हमारे परिकल्पना के अनुसार सबसे पहले हमें इस शैतान को गांव से भगाना होगा और गांव वालों को भी विश्वास करना होगा कि शैतान फिर कभी नहीं लौटेगी। तुम जो कह रही हो वो सही है बहू, पर हम शैतान को गांव से कैसे भगाए? अभी अभी मुझे एक तरकीब सूझी है माँ जी। ऐसा कहकर ढेर सारा मिर्ची पाउडर सब्जी में डाल के वो चूल्हे पे पकाने लगती है। देखते ही शारदा अनामिका के परिकल्पना समझ जाती है और बिना कुछ कहे चुपचाप रहती है। फिर शैतान आके खाना खाने के लिए बैठती है। फिर उन्होंने जो सब्जी पकाया था वो लाके शैतान के सामने खाने के लिए रखती है। फिर जैसे ही शैतान मीट का एक टुकड़ा मुंह में रखती है, बस शैतान मसाले के उस तीखेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कान से, नाक से, आंख से, हर जगह से धुआं निकलने लगता है। इसी के साथ शैतान वहां से अदृश्य हो जाती है। फिर कुछ दिन निकल गए। फिर एक दिन शैतान आराम से खा पी के सो रही होती है। ये देखकर सास बहु एक रस्सी लाके शैतान को बिस्तर के साथ बांध के उठाने लगती है और दरवाजे के पास ही उसे छिप छिप के देखने लगती है। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने की वजह से शैतान अपनी आंखें खोलती है। देखती है उसके चारों तरफ आग लगे हैं। वो सारा माजरा समझ जाती है। ये सास बहु मुझे शैतान होके आराम से जीने नहीं देगी। ऐसा सोचकर वो वहाँ से भागने जा रही होती है कि शैतान के पैर में आग लग जाती है। पहले वो भूली गई थी कि उसमें अदृश्य होने की क्षमता है, फिर अचानक से वो अदृश्य हो जाती है। ये देखकर सास बहू हंसने लगती है।
एक दिन सास बहू लड़ रही थी, अचानक से वहाँ शैतान आके हाजिर हो जाती है। तुम सास बहू इस तरह से क्यों लड़ रही हो? आप ही की वजह से। मेरी वजह से? ऐसा क्यों? चूल्हे के पास जो ड्रम रखा है, मैंने कहा कि उसमें तुम आ जाओगी, पर बहू कह रही है कि तुम उसमें नहीं आओगी। शर्त लग गई है, अब तुम ही बताओ ड्रम में फिट होगी या नहीं। क्यों नहीं घुस पाऊंगी, चलो देखते हैं। ऐसा कहकर सास बहू शैतान को लेकर ड्रम के पास जाती है। शैतान उस ड्रम के अंदर घुसते ही सास बहू दोनों ड्रम का ढक्कन लगा के छिटकिनी लगा देती है। अंदर से शैतान कहने लगती है, ए, ढक्कन खोलो, मैं बाहर आऊंगी, ढक्कन खोलो। वो चिल्लाती रही। अनामिका उस लोहे के ड्रम को लकड़ी के चूल्हे पर रख दिया और आग लगा दिया। शैतान गर्म बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो पूरी तरह से काली पड़ गई। थोड़ी देर बाद सास बहू उस ड्रम के ढक्कन को खोलती है, फिर शैतान काले रंग में बाहर निकल आती है। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम इंसान लोग इतने क्रूर क्यों हो? इसके बाद भी तुम इस गांव को छोड़ के जाओगी कि नहीं, पहले ये बताओ। चली जाऊंगी, इस गांव को छोड़ के मैं चली जाऊंगी। ये निर्जातन अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मैं इस गांव को छोड़ के चली जाऊंगी। ऐसा कह के शैतान वहां से चली जाती है। सास बहू बाप बेटा इस बात से बहुत खुश होते हैं। शारदा, तुम्हें और बहू को इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? बच्चों की वजह से। जब से लोगों को पता चला कि यहाँ पे शैतान है, लोगों का आना जाना बंद है। बच्चों का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जा रहा है, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं पिताजी, मैंने और माँ ने एक चैलेंज भी लिया है कि हम इस गांव को बदल के रहेंगे। आइंदा कोई शैतान या बुरी नजर हमारे गांव पे ना लगे, इसीलिए हमने स्वामी जी से जाकर कवच भी बनवाई है। जैसे एक महिला घर की दीपक होती है, वैसे बच्चों के लिए पढ़ाई होती है। बच्चों को पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैंने और बहू ने कदम उठाया है कि हम इस गांव को जरूर बदलेंगे। इसीलिए हमने शैतान को बाहर निकाल दिया है, अब हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। विचार अच्छा है शारदा, पर ये बात तुम लोग हमें पहले भी बता सकते थे। इस दौरान हम कितने परेशान हुए। अगर हम बता देते तो कहानी में ट्विस्ट ही नहीं रहता, इसीलिए नहीं बताया। इस तरह वो सभी मिलके हंसी मजाक करते हैं और एक साथ बैठ के खाना भी खाते हैं। अगले दिन से ही शारदा और अनामिका सभी के घर घर जाके शिक्षा के महत्व के बारे में बताती है, स्कूल की सफाई करवाती है और दोनों मिलके स्कूल चलाना शुरू कर देती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गांव के किनारे एक मिट्टी के घर में, जो कि गिरने ही वाला था, वहाँ सास बहू शारदा अनामिका नाम की दो भिखारन रहती थी। उन दोनों के पति प्रसाद और रमेश भी भीख मांगते थे, इसलिए वो पूरे दिन हाथ में कटोरी लेकर फटे सिले हुए कपड़े पहनकर तब तक भीख मांगते थे चिल्ला चिल्ला के, जब तक मुंह दर्द ना हो जाए। एक तरफ सास बहू भीख मांगती थी, दूसरे तरफ बाप बेटा। उस दिन भी वो चिल्ला चिल्ला के भीख मांग रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कोई आके दान पुण्य करे। बहू, जो शर्त लगाया था वो याद है ना? याद है माँ जी, वैसे भी आज मेरे हाथों में आप हारने वाली हैं, तो रात को खाना पकाने के लिए तैयार रहिएगा। वैसे मैं भी तुमसे यही कहना चाहती हूँ। देखते हैं आज कौन खाना पकाता है। वैसे सब कुछ आज का दान पुण्य पे निर्भर करता है कि कौन आके हम पे कृपा करे। सास बहू इस तरह सोची रही थी, तभी उनकी नजर जाती है थोड़ी ही दूर पे, जहाँ पे मुरली नाम का एक आदमी चला आ रहा था। देखते ही सास बहू वहाँ से अपना कटोरी लेकर भागते हुए जाती है और कहना शुरू कर देती है, बाबू कुछ दान कर दीजिए। ये सुनकर मुरली शारदा की तरफ देखते हैं। सच में बाबू, आपको पुण्य मिलेगा। अनामिका के ऐसे कहने पर मुरली अनामिका की तरफ देखते हैं। तब तक शारदा अपना दुखी दुखी चेहरा बना लेती है। देखिए बाबू, मेरी उम्र हो गई है, काम करने के लिए हाथ पैर साथ नहीं दे रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे जिंदगी गुजारेंगे, आप ही बताइए ना, हम क्या करेंगे। उसकी बातें सुन के मुरली की आंखों से आंसू निकल आए। ये देखकर अनामिका मन ही मन सोचने लगी, अरे बाप रे, मेरी सासू माँ तो एक्टिंग में कमाल है, अगर इनका दिल पिघल गया फिर तो सारे पैसे इन्हें मिल जाएंगे और रात को फिर मुझे खाना पकाना होगा, अभी मुझे कुछ करना ही होगा। वो ऐसा सोच के मुरली की तरफ देखती है। मुरली भी सोचते हैं कि सारे पैसे लेकर
वो शारदा के कटोरी में रख देंगे। ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है। तब तक अनामिका जल्दी से अपना दुखी चेहरा बनाकर कहने लगती है, बाबू मेरे हाथ पैर तो है पर मैं काम नहीं कर सकती। मेरी सासू माँ सैयाग्रस्त है, वो काम नहीं कर पाती है, इसीलिए मुझे काम करना पड़ता है बाबू। अगर मैं काम पे जाती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि ये काम करो, वहाँ मत जाओ, इसलिए मैं यही काम करती हूँ। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए बाबू। इस तरह दुखी होकर कह के वो रोने लगती है। ये देखकर शारदा मनी मन सोचने लगती है, मुझे लगा था मैं ही चलाक हूँ, पर मेरी बहू भी कम नहीं है। पर चाहे बाबू किसी को भी दान करे, पैसे तो घर में ही आएंगे। बस दिक्कत इस बात में है कि रात को मुझे खाना पकाना पड़ेगा। शारदा सोची रही थी तभी मुरली अपने पॉकेट से एक नोट निकाल के अनामिका की कटोरी में डालता है और दूसरा नोट शारदा की कटोरी में डालता है। ये देखकर सास बहू दोनों बहुत खुश हो जाती है। शारदा अनामिका को खुश देखकर मुरली वहाँ से चला जाता है। फिर सास बहू इस तरह कुछ देर और भीख मांगती है। फिर भूख लगने पर एक पेड़ के नीचे आके अपने साथ जो लंच बॉक्स लाई थी वो खोलती है। ठीक उसी वक्त एक बुजुर्ग आदमी जो बहुत भूखा था उनके पास आकर कहने लगा, माँ मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना दो। इस तरह कहते देख सास बहू को बहुत बुरा लगता है, उन पे दया आती है तो वो अपना खाना उन्हें खिला देती है। बुजुर्ग इंसान खुशी खुशी अपना पेट भर के खाना खाते हैं। इस तरह अपने दयालु स्वभाव की वजह से जो भी भूखा उनके पास आकर कहता कि उन्हें भूख लगी है, उनके पास जो कुछ भी होता था वो उन्हें खिला दिया करती थी। इस तरह जब कभी कोई आके उन्हें अपनी तकलीफों के बारे में कहता था तो सास बहू से जितना बनता था उतना करती थी और उन सभी को हिम्मत रखने को कहती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन दामोदर नाम का एक अमीर आदमी अपनी बाइक से जा रहा था, उसके बीच में एक बुजुर्ग इंसान आ जाते हैं। ये देखकर गुस्से से दामोदर के मुंह में जो आता है वो कहने लगते हैं, ए बुड्ढा इधर आना। उसके इस तरह से कहने पे बुजुर्ग इंसान सोचने लगते हैं, चाहे कुछ भी कह ले अमीर आदमी है, दान दक्षिणा करते होंगे, कुछ पैसे दे दिए तो उन पैसों से मैं खा के दो रात सो पाऊंगा। ये सोचकर खुश होकर वो दामोदर के पास जाते हैं। उसे देखकर दामोदर को और गुस्सा आ जाता है और उसके गालों पे कस के एक थप्पड़ लगाते हैं। इतना जोर से लगाते हैं कि बुजुर्ग इंसान के गालों में उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। पूरे गांव वाले ने कहा था, मैंने सुना नहीं, अब मैंने मान लिया, चाहे कितने भी पैसे हो जाए फिर क्या फायदा, अगर मन में दया नहीं लोगों से प्यार नहीं तो। उस बुजुर्ग की बातें सुन के दामोदर उन्हें और गुस्से से देखने लगे, आपके भीख मांगने से अच्छा है इन सास बहू से भीख मांगना, उनके पास पैसे नहीं लेकिन उनके मन में दया है, भूख की कीमत अच्छे से जानते हैं, खाने की कीमत जानते हैं, भिखारी होके कितने भूखों के पेट भरे हैं पता है। क्या आपको पता है कि वो लोगों को कितने सम्मान की नजर से देखते हैं। इस तरह से सास बहू के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहकर भिखारी वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुन के दामोदर सोचने लगते हैं, मैंने भी इस सास बहू के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, लोग मुझे गाली देकर इनकी तारीफ कर रहे हैं, मुझे इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस तरह सोचकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उस रात उन्हें रात को ठीक से नींद नहीं आए, वो छत पे जाकर सोचने लगे। तभी उनके दिमाग में एक तरकीब आती है। उनके घर में काम करने वाला गोपाल को वो बुलाते हैं और उसे क्या करना है बताते हैं। फिर गोपाल सिर्फ सास बहू के घर को छोड़ के बाकी सभी के घर घर जाके कहने लगा, कल सास बहू अन्नदान करने का परिकल्पना कर रहे हैं, आप लोग सभी लोग उनके घर जरूर चले जाइएगा। इस तरह घर घर घूम के ये बात कहता है, फिर घर लौट के बिस्तर पे आके सो जाता है। सारे गांव वालों को लगता है कि ये बात सच है, इसीलिए सभी लोग उनके घर पे इकट्ठा होने लगते हैं। सास बहू सुबह सुबह नींद से उठती है तो देखती है गाँव वाले उनके घर के आगे लाइन लगा के खड़े हैं। वो बड़े शौक होते हैं। फिर एक आदमी से उन्हें पूरी बात पता चलती है। तभी दामोदर बाइक लेके वहाँ पे आकर सास बहू को देखते हैं और खड़े खड़े बहुत हंसते हैं। सास बहू समझ जाती है कि दामोदर जानबूझ के ये सब कुछ किए हैं। फिर सास बहू घर के अंदर आकर कहती है, माँ जी ये सब कुछ वो अमीर दामोदर की चाल है। होने दो बहू, वो अपनी बुरी सोच से हमें बुरा बनाना चाहता है ना, हमारे पास जितना है उसी से हम लोगों की भूख मिटाएंगे, बाद में अन्नपूर्णा देवी है वो सब कुछ संभाल लेंगी। हाँ जब वो ऐसा कहती है
वहाँ साक्षात अन्नपूर्णा देवी प्रकट हो जाती है। माँ को वहाँ साक्षात देखकर सास बहू बहुत खुश हो जाती है। डरो नहीं, परेशान मत हो, मैं आई हूँ तुम लोगों की मदद करने के लिए। मैं भी तुम लोगों के साथ साथ अच्छा काम में हिस्सा लेना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी मायावी शक्ति से तरह तरह के पकवान प्रकट करती हैं। सास बहू देखकर बहुत खुश होती है। फिर जितने लोग आए थे खाना खाने के लिए, उन सभी को एक एक करके वो खाना परोस देती हैं। सास बहू अपनी मीठी मीठी बातों से सभी को पेट भर के खाना खिलाया। सभी लोग उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से गए। देख के जलन के मारे अमीर दामोदर वहाँ से चला जाता है। इस बात के लिए सास बहू ने मिलके माँ अन्नपूर्णा देवी का बहुत धन्यवाद किया। आज यहीं तक। नई स्टोरी लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्ते।